हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट है BEG 105 के इस वीडियो में हम द बाइंडिंग वाइन, जो कि एक नोवेल है बाय शशि देश पांडे, इसकी समरी का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो जाके फर्स्ट पार्ट को पहले देखिए, वरना यहाँ पर आपको कोई चीज़ समझ में आएगी नहीं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फर्दर इस नोवेल से रिलेटेड जो कि इंट्रोडक्शन वीडियो है उसको मैंने पहले से पोस्ट कर रखा है, तो आप वहाँ पर जाके उसको चेक कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं आपको हमारे ब्लॉग पे मिल जाएंगे, एंड दैट इज़ अवेलेबल टू व्यू फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको वहाँ पे कोई पैसे पे नहीं करने, तो जाके आप वहाँ पे इसे पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो भी ब्लॉग पे आपको मिल जाएंगे, और अगर आपको कोई अन्य कंटेंट, किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो डू कमेंट एंड आस्क फॉर इट, हम लोग उसको भी प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट रहता है तो आप उसको इंस्टाग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जो कि हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, तो वहाँ पे जाके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि उर्मी, जो कि अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर चुकी है, और वो हॉस्पिटल जाती है टू मीट द रेप विक्टिम, जिसका नाम कल्पना है। यहाँ से एक येट अनदर ट्रेजिक स्टोरी स्टार्ट होता है कि कल्पना जो कि है ये एक यंग गर्ल है फ्रॉम अ लोअर बैकग्राउंड, और उसकी जो मदर है उसका नाम है शकुताई। शकुताई हैज़ वन मोर डॉटर जिसका नाम है संध्या, और एक बेटा है जो कि अननेम्ड है पूरी स्टोरी। शकुताई का जो हस्बैंड है उसने शकुताई को इसलिए छोड़ दिया है ताकि वो किसी और औरत के साथ जाके रह सके। सो दिस शोज कि मेन का कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी में। एंड अगेन शकुताई बिकम्स द ब्रेड विनर, घर पे काम करना किसी भी तरह से अपने घर को चला रही है। शकुताई की एक सिस्टर है जिसका नाम है सुलोचना, और हम लोग पूरी नोवेल में उनको सुलू के नाम से जानेंगे ताकि नाम ज़्यादा बड़ा ना लगे। सुलू जो की है शी इज़ चाइल्डलेस एंड शी इज़ अफ्रेड कि उनका जो हस्बैंड है प्रभाकर, वो भी किसी अन्य औरत से शादी करने के लिए उसको छोड़कर ना भाग जाए या उसको घर से ना निकाल दे। और उसका जो हस्बैंड है प्रभाकर, ही इज़ इनामर्ड ऑफ कल्पना, मतलब ही इज़ कीन टू मैरी हर, या उसके साथ में उसको सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन चाहिए, वो किसी भी तरह से उसको अचीव करना चाहता है। शकुताई एंड सुलू जो की हैं ये दोनों ही इस प्रपोजल को मानती है, रादर दे अप्रूव दिस कि ठीक है हो जाए शादी, कोई दिक्कत नहीं है। सुलू इसलिए अप्रूव करती है क्योंकि कल्पना अगर आती है, अगर उसकी को वाइफ बन के आती है, सौतन बन के आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सुलू उसकी मासी है आफ्टर ऑल, और उस सुलू को घर से नहीं निकालेगा प्रभाकर। वहीं जो कि शकुताई है उसके लिए ये इसलिए एक्सेप्टेबल है ताकि प्रभाकर जो कि है ऑलरेडी उनके फैमिली रिलेशनशिप में, एंड वो अगर रहता है उसकी डॉटर का हस्बैंड बनके, तो कहीं ना कहीं जो भी मेल का एक वर्क है वो शकुताई को भी कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगा उससे। तो इन दिस वे दे आर बोथ एग्रीइंग टू द डिमांड्स ऑफ प्रभाकर। हवेवर कल्पना जो की है उसके अपने एस्पिरेशंस हैं, वो अपना लाइफ खुद से जीना चाहती है, अपने रूल्स पे जीना चाहती है, एंड हैंस वो प्रभाकर का ऑफर जो की है वो रिजेक्ट कर देती है। हवेवर प्रभाकर जो की है वो अपने सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए कल्पना का रेप कर देता है, एंड उसको ऐसे कंडीशन में छोड़ देता है कि उसकी ज़िंदगी बचेगी या नहीं, ये भी प्रॉब्लम है। सो दिस शोज कि क्या सिनिस्टर पावर है मेल का, एंड किन चीज़ों की ज़रूरत है इंडियन सोसाइटी में इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। कल्पना जबकि हॉस्पिटल में पड़ी है वेयर शी इज़ बीइंग नर्स्ड, शकुताई इस इंसिडेंट को पुलिस में रिपोर्ट नहीं करना चाहती है क्योंकि अगेन सोशल स्टिग्मा की बात आ जाती है कि अगर ये स्टोरी बाहर चला जाए तो हो सकता है कि उसकी जो कि सेकेंड डॉटर है संध्या उससे भी कोई शादी ना करे। अगेन दिस शोज कि मेल ने चाहे जो भी किया हो उसको कोई भी नहीं परेशान करना चाहता है, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो फीमेल के साइड पर आएंगी, और पुलिस ऑफिसर जो कि है वो भी इसको प्रोजेक्ट करना चाहता है एज एन एक्सीडेंट ताकि केस ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो, और अगर केस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो बड़े आराम से वो लोग का भी इन्वेस्टिगेशन का ड्यूटी छूट गया। तो सबके सब अपना अपना प्रॉफिट देख रहा है, कोई भी अक्यूज को सज़ा दिलाना नहीं चाहता है, और जो भी प्रॉब्लम्स है वो अगेन किसको बियर करना है तो फीमेल को बियर करना है। तो अगेन ये हमारे सोसाइटी पे कुछ गंभीर सवाल उठाता है। इस डिस्कशन से हमें ये पता चलता है कि कोई भी इस केस को रेप के प्रति नहीं लेके जाना चाहता, उसको रेप के परफॉर्म में एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि इसे एक एक्सीडेंट के तौर पर दिखाया जाए ताकि लोग अपने अपने जो कि हित हैं उसको साध सकें। लेकिन उर्मी जो की है वो इस चीज़ को नहीं सहना चाहती है, वो चाहती है कि ये जो कि प्रॉब्लम है इसको ठीक किया जाए। प्रीति, इन्नी और वरना ये जो कि दोस्त हैं उर्मी के, ये लिप सिंपथी कहते हैं ऑफर करते हैं, ये बातों में कहते हैं कि अच्छा ये बुरा हुआ, ये होना चाहिए था, विल हेल्प यू, बट ये लोग कोई इसको मीन नहीं करते। हावेवर ऑन द साइड ऑफ उर्मी, इवन दो बाकी सब उसे मना करते हैं कि तुम इसमें मत पड़ जाना, उर्मी ये स्टोरी अपने एक जर्नलिस्ट फ्रेंड के पास लेकर चली जाती है और इसको पब्लिश करवा देती है। शकुताई के इस क्वेश्चन को कि ये क्या होगा नहीं होगा, इसको वो अच्छे से एड्रेस करती है और शकुताई को कन्विंस करती है उर्मी कि आप इसको सोशल अटेंशन दिलाइए। जैसे कि आज की डेट में आपको पता है सोशल मीडिया पे कोई भी वीडियो अगर वायरल हो जाए तो पुलिस भी उस पर एक्शन लेती है, तो उस टाइम पे जर्नलिस्ट के जरिए ये सब होता था कि अगर न्यूज़पेपर में आ जाए तो फिर पुलिस एक्शन लेने के लिए बाध्य हो जाती थी।
क्वेश्चंस असेंबली में उठाए जाते हैं, और इसके बाद जो कि हॉस्पिटल की अथॉरिटीज़ हैं इनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि कल्पना को आप हॉस्पिटल में रहने दीजिए, उसको हॉस्पिटल से मत निकालिए और उसको जो भी नर्सिंग की ज़रूरत है वो प्रोवाइड करिए। उर्मी जो कि है ये साइलेंस को ब्रेक करती है, और जो भी सफरिंग फैमिली है, शकुताई, कल्पना, इन सब के लिए वो जस्टिस को डिलीवर करवाती है। पुलिस को पता चलता है केस के बारे में, और चूंकि ये रेप के फॉर्म में एक तरह से FIR हो जाता है इस पे, तो दे हैव टू इन्वेस्टिगेट द केस। और सुल्लू को जब ये पता चलता है कि हिज हस्बैंड प्रभाकर इज द कल्प्रिट, उसी ने रेप किया है, तो शी कमिट सुसाइड। इन द कोर्स ऑफ द इवेंट्स उर्मी जो की है वो अंडरस्टैंड करती है कि पूरी की पूरी ह्यूमन जिंदगी जो की है, दिस इज लाइक अ टेंडर वाइल्ड, इसमें अंडरस्टैंडिंग, एम्पथी, सिंपथी, यही चीज़ें हैं जो कि बाइंड करती हैं। और लाइफ जो कि है ये डिस्पाइट इट्स अप्स एंड डाउन्स चलते रहती है, नो मैटर वॉट, जिंदगी आगे बढ़ते रहती है, किसी इंसिडेंट के लिए रुक नहीं सकती है। द नोवेल एंड्स ऑन अ नोट ऑफ ऑप्टिमिज्म फॉर उर्मी, और वो इस चीज़ को महसूस करती है कि दैट देयर इज स्प्रिंग ऑफ लाइफ, चाहे कितना ही प्रॉब्लम हो, जिंदगी एट द एंड ऑफ द डे आपको जीनी ही है, आप उसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। और इन्हीं चीज़ों के लिए सिंपथी, और जो ये छोटे छोटे मोमेंट्स हैं लव के, इन्हीं के प्रति आपको अपना सब कुछ समर्पित करके अपनी ज़िंदगी को जीना होता है। सो दिस इज़ वेयर द नोवेल एंड्स। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।